फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। और आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस जेल को किस तरीके से यूज करना चाहिए और इस जेल को यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज इस जेल की कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो कि एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, बात करें इस जेल की प्राइस और क्वांटिटी की, तो ये पैक आपको 60 ml का मिल जाता है और इसका प्राइस है 45 rupees, यानी कि 45 rupees में ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर यहाँ पर आराम से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये हर मार्केट में हर शॉप पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स की। एलोवेरा जेल को यूज करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पर या फिर अपने हेयर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस एलोवेरा जेल को फेस पर लगाने के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ, उसके बाद में इस एलोवेरा जेल के बारे में बताऊंगी कि इसे आप कैसे अपने बालों पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पर लगाते हैं और आपके फेस पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, यानी झुर्रियाँ आ रही हैं समय से पहले, तो ये आपके फेस पर आने वाले झुर्रियों को, रिंकल्स को रिमूव करता है। और अगर आपकी स्किन रूखी है, ड्राई है, तो उस कंडीशन में भी आप इस एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस एलोवेरा जेल से आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो सुपर सॉफ्ट बन जाती है और आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है। ये आपके चेहरे पे ग्लोइंग इफेक्ट लाने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा ये आपके चेहरे से पिम्पल्स के निशान को रिमूव करने में काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। तो अगर आप चाहें तो इसे नाइट में यूज कर सकते हैं। नाइट में यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है। आप अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ी सी मात्रा में लेकर के अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करना अपने उंगलियों से और उसके बाद इसे पूरी रात के लिए अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए। सुबह आप नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं और इस तरह यूज करने से आपकी स्किन सॉफ्ट भी बनेगी, इसके रिंकल्स भी चले जाएंगे, साथ ही अगर पिम्पल्स के निशान हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप इसे डे में यूज करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करके 2 मिनट मसाज करिए या फिर 3 मिनट मसाज करिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रेस्ट पे छोड़ दीजिए आधे घंटे, 15 मिनट या 1 घंटे, और चाहें तो आप उसे पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर इसे लगा के ऐसे भी रह सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसे हम अपने बालों पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बालों में लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी चमक साइन चली गई है, तो उस कंडीशन में ये एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्मूथ करता है और साथ ही उन्हें ग्रो होने में भी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि इसे अपने बालों में कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, यानी कि अपने स्कैल्प पे, और लगाने के बाद अपनी उंगलियों की मदद से 10 मिनट तक मसाज करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे नाइट में लगाइए और ओवरनाइट रहने के बाद सुबह में आप किसी भी मॉइस्ट शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे बाल को वॉश करने से 1 घंटा पहले लगाइए और मसाज करिए। और इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी झड़ना, टूटना बंद हो जाएंगे, और अगर रूखे सूखे हैं, बेजान है, डल हैं, तो वो स्मूथ भी हो जाएंगे, शाइनिंग भी आ जाएगी। साथ ही ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये सभी डैंड्रफ को भी रिमूव कर देगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।